अब मैं आ गई हूँ छत में चाय पानी करके पढ़ने के लिए। A few moments later. ऐसा क्या नीचे गई और ये दोनों मेरी जगह में बैठ गए। मैंने हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हो गई आज सुबह, सो गुड मॉर्निंग। और अब मैं आ गई हूँ छत में चाय पानी करके पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए छत में तो आई हूँ मैं, लेकिन मेरे दोनों लड्डू और चुलबुल यहीं पर बैठे हुए। मैं दिखा रही हूँ एक मिनट उनको। ये है लड्डू, वो खुद ही उठ कर आ गया है। अरे चुलबुल क्योंकि सो चुकी है, चुलबुल बट आई ना अभी सोने का, तो सो रही है वो। तो मैं अभी आई हूँ पढ़ने के लिए। तो ये मैं जैसे ही आई हूँ और ये दोनों आ गए हैं मेरे पास और चढ़ रहे हैं। अब मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा, ठीक है। एक चीज़ आपको बताना भूल गई हूँ, तो अभी हमारा छत ना और बड़ा हो गया है ये वाला छत, क्योंकि पहले जो दुकान वाला छत था वो थोड़ा नीचे था, तो ये इतना ही दिखता था, पूरा एक सा हो गया। मैं दिखा रही हूँ आपको हमारा छत, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा है यहाँ पर। अभी झाड़ू वगैरह कुछ नहीं हुआ है। बस मैं यहाँ आ गई हूँ बैठने के लिए, तो बैठ गई हूँ जहाँ पर साफ था वहाँ पर, चटाई बिछा ली हूँ और बैठ गई हूँ और पढ़ने के लिए। अब मुझे पढ़ना है भाई साहब, पढ़ना है। लेकिन मैं छत दिखा देती हूँ आपको। देख सकते हैं आप हमारे दुकान के चुंगा चुंगी रखे हुए हैं और वो लड्डू बैठा हुआ वहाँ पर, और हमारा छत गंदा गंदा है। अभी झाड़ू लग जाएगी, डोंट वरी, हम इसको साफ़ करेंगे। ऐसा हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि फिर भी दिखा दिया हमने। और ये हमारा छत एकदम बड़ा हो गया है और लड्डू हो बैठा है वहाँ पर हमारा शेर। लड्डू कान खड़े कर लेता है। और ये हमारी दीदी चलबुल दीदी, जो कि सो गई है। सो जाओ। मैं गई हुई थी थोड़ा देर के लिए नीचे कुछ काम से, कॉम्ब लेने के लिए, कॉम्ब करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही थी, क्योंकि ऐसे ही उठकर आ गई थी पढ़ने के लिए और वीडियो बनाने लगी थी। जहाँ पर मैं बैठी हुई थी वहाँ पर दोनों हमारे लड्डू और चुलबुल वहाँ पर प्रस्थान हो गए, बैठ गए हैं। तो मैं दिखा रही हूँ आपको। ऐसा क्या नीचे गई और ये दोनों मेरी जगह में बैठ गए। मैंने इतनी चटाई बिछाई थी। तो भैया अभी छत में आ गए हैं और ये नहीं पता ये लड्डू के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है इसको। वाह, उसका कपड़ा बन गया कार्टून, ये कार्टून बन गया भाई साहब, कार्टून कार्टून बन गया लड्डू। तो क्या करने आया था इधर, ओए कबाड़ी, ये क्या क्या कर रहे हैं उसके साथ। परेशान नहीं करो, परेशान नहीं करो, ठंड है, ठंड है, अभी दिन में धूप है भाई साहब। लड्डू के साथ ये क्या किया जा रहा है, लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। जाओ उतार कर आओ ये सब, लड्डू गो। ये बस अपनी मम्मी को परेशान करता रहता है, कान खा रहा है उसके नमूना लग रहा है नमूना। ये क्या था, ओ ओ, ये लो ये फिर आ गया अपनी मम्मी को परेशान करने के लिए। क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। खाएगा खाएगा ले, खाए खा 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 खाएगा, बदतमीज कुत्ता हो गया, जाओ। तो अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ छत से, क्योंकि छत में लग रही है झाड़ू, तो पूरी धूल वगैरह उड़ रही थी, तो इसलिए मैं आ गई हूँ। और वैसे भी ऑलरेडी मुझे सर्दी है, तो मैं आ गई हूँ नीचे। अब नहीं पता मैं क्या करूँ, गाना सुन लेती हूँ, आपको भी सुनाती हूँ कुछ कुछ गाने। तो उसकी बात यह है कि हमारे गोसलपुर की लाइट जब देखो तब गोल होती रहती है, और अभी भी गोल है। मैंने स्विच ऑन किया बट गोल है लाइट यहाँ की, तो मैं गाने कैसे सुनूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संडे टू संडे नियम बना कर रखे हैं कटौती करने का, हर संडे को ऐसे ही गोल कर देते हैं लाइट को, और पता नहीं कब आने वाली है, देखते हैं फिर हम गाने सुनेंगे। आ जाए, वैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया है, आ जाएगी तो पता चल जाएगा लाइट। लाइट आने का कोई आसार नहीं लग रहे हैं लगभग 2 बजे तक, तो मैं जा रही हूँ नहा धोकर, फुर्सत हो जाती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ नहा धोकर, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा धूप में चली जाती हूँ,
और बाल भी थोड़ा गीले हैं तो सूख जाएंगे। तो चलिए बाहर चलते हैं। चलो चलते हैं। चुलबुल ने नहाया धोया है तो एकदम बन गई है परी, सफ़ेद परी। और ये थक के बैठ चुकी है धूप में फिर से सूखने के लिए। चुलबुल नींद आ रही है, उसको सो जाने देते हैं। ऑलमोस्ट मेरे बाल सूख गए हैं और मैं आपको ये इसकी कहानी बताती हूँ। ये बाउंड्री जो है इतनी दिख रही है लेकिन इसके ऊपर ईंट अलग से क्यों रखे गए हैं? तो ये ईंट इसलिए रखे गए क्योंकि लड्डू यहाँ से कूद के भाग जाता था बाहर, तो इसलिए फिर से ये जमाया गया है ताकि वो बाहर ना जा सके, क्योंकि वो भाग जाता है यहाँ से बाहर खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ, तो इसलिए वो सब ऊँचा करना पड़ा। और हम चलते हैं बंदर घर के क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, नहीं तो मैं काली हो जाऊँगी। हमारे घर का गाड़ी स्टैंड, पल्सर, दो एक्टिवा, ये ताऊ वाली, ये मेरी वाली गाड़ी, और ये दो श्रेशानु की साइकिल्स बस, और फोर व्हीलर वहाँ खड़ी रहती हैं और नहीं तो गोडाउन में। और ये हमारी अभी गौरी का छोटा सा घर बना हुआ है और ये यहाँ पर सागुन के पेड़ लगे हुए हैं। तो हम चलते हैं अंदर। कोई नहीं है घर में, कोई है? ये देखो ये पड़ी हुई है हमारी प्रिया दीदी, क्योंकि यहाँ पर तो लाइट ही गोल रहती है। प्रिया दीदी के रूम में और अभी तक लाइट नहीं आई हुई है, और प्रिया दीदी तो ये लेटी हुई है यहाँ पे। हेलो गाइस, इनके कान में लगे हुए हैं कंठस से, तो ये इनको सिर्फ हाय करना आ रहा है। और उनका कुक्कू साइड में रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ उसकी हालत कैसी हो गई है। कुक्कू जो कि कई बार फुटबॉल बन चुका है बिक्की भैया के हाथों, फिर भी इसकी हालत ठीक ही है, क्या ही कर सकते। इसकी आंखें तो है नहीं, जब आंखें लग जाती तो ये खतरनाक लगने लगता है, इसलिए हम इसकी आंखें निकाल चुके हैं। इसका पोस्टमार्टम हो चुका है और आई थिंक यहाँ कहीं से सिला भी गया है ये धोने के बाद। बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, उसको बता रहे उससे कितना प्यार करते हैं अपन। बहुत अच्छा है, आजकल ऐसे कुकू नहीं मिलते गाइस। या गाइस, नहीं तो आजकल फुसकी फुसकी वाले ज्यादा मिलते हैं। हमारे इससे बड़ा है बट वो अच्छा नहीं है, इसलिए साइड में पड़ा रहता है। हाँ वो वाला पड़ा रहता है साइड में। कुकू की आंखें नहीं है, कुकू अंधा है। कुकू हमारा अंधा, कुकू हमारा अंधा है। और एक फुटबॉल वो पड़ी हुई है, कुकू नहलाने की तैयारियां चल रही है। बाहर आ गए हम सब, अब ये मेरा भाई कुत्तों के जैसे बिल्कुल सूख गई है और उसको भी बहुत तेज धूप लग रही होगी, तो मैं उसको खोल देती हूँ। सूख गई ना, जा। ये मेरा बेटा, उठो 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 उठो, चलो उठो, गेट अप, उठ जाओ, नहीं उठना, उठो, चलो आओ 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 आओ। सो रही है मैडम, मैडम सो जाओ। नहलाने के लिए बुलाए जा रहे हैं लड्डू, आओ आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, चलो चलो चलो, मिठाई मिलेगी। पास आया हुआ है कि मुझे नहीं आ रही हूँ लड्डू के शैम्पू लेने के लिए। ये रखा है तो ये है लड्डू का शैम्पू, से नहाएगा लड्डू। लड्डू साबुन से ही नहाने लगा। ये है इसका शैम्पू, ये देखो शैम्पू से नहाना भैया। लड्डू ठंड लग रही है ना भैया, इतना गर्म पानी, इतने गर्म पानी से तो अपनी नहीं नहाते, लेकिन लड्डू नहाएगा। बहुत अच्छे से नहा रहा है लड्डू। तुम ना बुलाओ यार, लड्डू हमारा बहुत अच्छे से नहा लेता है। लड्डू देख रहे दीदी, क्या अच्छी अच्छी बात बता रही है, असलियत कहना भी पता चलेगी जब पानी डालेगी दीदी। पचकेगा, भोकेगा, सब कुछ कर देगा तब। तो अभी लड्डू का पानी से नहाना स्टार्ट हो गया और ये भागने लगा। मम्मी और हमारे घर में पानी गर्म इसमें होता है और जिसको जल्दी नहाना होता है वो रॉड से कर लेता है।
ऐसे लोगों को अगर लेट नहाना होता है तो इसलिए इनके लिए इसमें होता है। लड्डू अभी बड़ी शिद्दत से पानी डलवा के नहा रहा है। लड्डू ने बहुत ही शिद्दत से अपना नहाना धोना करवा लिया है। और ये चुलबुल मैडम को अभी भी लग रहा है कि ये बंधी हुई है। चुलबुल तुम खुल गई हो? ओए होए जुल्फे। दी ओ चुलबुल दीदी धूप अच्छी लग रही है। लड्डू भैया की पुछाई हो रही है। लड्डू लड्डू क्या लड्डू लड्डू क्या लड्डू लड्डू कर रहा है। लड्डू स्टेला आई। स्टेला लड्डू की फ्रेंड स्टेला है। उसके नाम से भागने लगता है। अभी हो चुका है लड्डू का नहाना धोना तो हम चल रहे हैं घर के अंदर। देखते हैं खाना वगैरह बन गया होगा तो मैं खाना खा लेती हूँ। और मैं लाइट का वेट करते करते इतना थक चुकी हूँ। अभी तक लाइट नहीं आ रही है। 12:30 बज चुके हैं। अब तो क्या पता कब तक आएगी लाइट। मुझे ये वाला गाना सुनना है क्योंकि मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ। ये वाला ट्रेंडिंग पे चल रहा है और ये मतलब अच्छा भी है गाना। मुझे तो अच्छा लगा। लाइट नहीं आ रही है लेकिन वेट कर लेते हैं। वेट करने में कोई हर्ज नहीं है। कर लेते हैं थोड़ा वेट। अभी तो खाना भी नहीं बना हुआ है ना लाइट आई हुई है। दोनों चीज़ अभी नहीं हुआ हुआ है तो मैं क्या करूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तो। बस मेरे पास फिर एक ही ऑप्शन पर बचता है कि मैं पढ़ाई कर लूँ। तो मैं सिर्फ पढ़ाई कर सकती हूँ अभी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर खाना बनता है तो फिर हम खाना खाएंगे। वैसे बना क्या है वो हम आज आपको बता देंगे। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।